नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बनाएंगे भरवा शिमला मिर्च और इसकी स्टफिंग मैंने अलग तरीके से तैयार की हुई है, इसलिए आप इसकी रेसिपी को पूरा देखिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं शिमला मिर्च की स्टफिंग के लिए क्या लगेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है रोस्टेड चना दाल, इसे दालिया भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह की होती है। और एक चम्मच लिया है ग्रेटेड नारियल और यहाँ पे कुछ 10-12 मूंगफली के दाने लिए हैं। एक चम्मच लिया है जीरा, 2 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 छोटे साइज़ के प्याज और 2 छोटे साइज़ के टमाटर। यहाँ 3 छोटी चम्मच जितना कुकिंग ऑयल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। प्याज डाल देंगे और जो भी हमने ये मसाले लिए हुए हैं स्टफिंग के लिए ये सारे डाल देते हैं। और अब हमें इन मसालों को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्लेम मीडियम पे रखिए आप और कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कीजिए। देखिए ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गए, तो अब टमेटो डाल देते हैं और टमेटो के साथ 2 मिनट हम इन्हें और भून लेते हैं। शिमला मिर्च कैसी काटनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम शिमला मिर्च ली हुई है और छोटे साइज़ की है ये, तो इनको हमें बीच में से काटना होगा जिधर से इनका डंठल होता है। तो चाकू की हेल्प से इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हम काट लेंगे इस तरीके से। देखिए ये काट लिया और इसके अंदर जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। आप बीज पसंद करते हो तो निकाल के अंदर ही रहन दीजिए और पसंद नहीं करते हो तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरीका का एक होल हो गया है और मैंने बीज यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब इसी में हम स्टफिंग भरेंगे, ये जो होल किया हुआ है इसी में। तो बस इसी तरीके से सारी शिमला मिर्च को हम रेडी कर लेंगे। इन सारी शिमला मिर्च को रेडी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मसाले की तरफ चलते हैं, स्टफिंग वाला जो मसाला तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारे टमेटो भी थोड़े फ्राई हो गए हैं तो इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे सारी शिमला मिर्च भी हमने रेडी कर ली है, मसाला भर देंगे अब इसमें। मिक्सर जार ले लिया है और ये जो सारे मसाले हैं स्टफिंग वाले, तो इनको हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 चम्मच नमक डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 2-3 चुटकी जितना मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, जो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और 1/2 चम्मच से भी कम मैंने डाल दिया है हल्दी, 3 चुटकी जितनी डाल दी है चीनी। अब चलिए इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए पेस्ट बना के एकदम रेडी है। इसमें मैं गरम मसाला डालना भूल गई थी तो अब डाल देते हैं। तो 1/2 चम्मच मेरा होममेड गरम मसाला है, आपके पास जो हो वो डाल दीजिए। और बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, चलिए अब स्टफिंग भरते हैं शिमला मिर्च में। तो छोटी चम्मच में लीजिए और इसमें जो होल किया है हमने उसमें इस तरीके से आप डालिए। आप चम्मच से ही भरेंगे ना तो अच्छे से नहीं भराएगा, तो उंगली की हेल्प से इसे अंदर प्रेस करते हुए बहुत अच्छे से भर दीजिए, पूरा भर दीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। और जब आप खाएंगे ना तो इसके अंदर का मसाला बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बस इस तरीके से उंगली की हेल्प से अच्छे से भर दीजिए। देखिए उंगली की हेल्प से मैंने पूरा भर दिया है और बचा हुआ ऊपर का निकाल लिया है। इसी तरीके से सारे शिमला मिर्च में हम स्टफिंग भर लेंगे और रेडी कर लेंगे फ्राई करने के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे भर कर रेडी कर लिया है और सेम उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम करना, नहीं तो उड़ के आपके ऊपर आएगा। और शिमला मिर्च सारी हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से, बहुत संभल के कीजिएगा, उड़ती है। और ढक दिया है 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट बाद फिर खोलती हूँ। तो अब हम इन्हें अल्टी पल्टी करेंगे, तो इस तरीके से आपको पलट पलट के इसे फ्राई करना है।
देखिए जिधर से हमने कढ़ाई में रखा था उधर से वो थोड़ी फ्राई हो गई है। तो अब हम दूसरी साइड घुमा देते हैं, इनको थोड़ा पलट देते हैं। तो ऐसे ही आपको पलट देना है। अब फिर से ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से है। हम फिर से इनको अल्टी पल्टी कर देंगे, जिधर से फ्राई हो गई है उसे ऊपर कर देंगे, जहाँ से फ्राई नहीं हुई है उसे तेल की साइड कर देंगे यानी कि कढ़ाई की साइड कर देंगे। हर 2-2 मिनट में आपको इनको पलटते रहना है, देखते रहना है और ढकते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगी। जल्दी ही बन जाती है ये। देखिए फिर मैंने 2 मिनट बाद देखा, अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो नमक यहाँ पे आप बहुत संभल के लीजिएगा क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला हुआ है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी नमक डाल सकते हैं। तो देखिए नमक भी डाल दिया। अब अभी हम हल्दी नहीं डालेंगे, हल्दी हम डालेंगे लास्ट में, नहीं तो हमारी हल्दी जल जाएगी। अब ढक दिया है। अब फिर से थोड़ी देर बाद मैंने खोला। तो हर 2-2 मिनट में आपको खोलना है, अल्टी पल्टी करते रहना है शिमला मिर्च को। अब देखिए 2 चुटकी जितनी हल्दी ली है मैंने और इसे छिड़क के डालिएगा चारों तरफ। तो पूरी शिमला मिर्च में छिड़क के डाल दिया है और धीरे से इन्हें अल्टी पल्टी करेंगे। और पूरी सब्जी बनते तक आपको गैस का फ्लेम सीम पे रखना है, लो फ्लेम पे रखना है। लो फ्लेम पे ही ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगी। देखिए हल्दी डालने के बाद 2 मिनट मैंने ढक दिया। अब 2 मिनट बाद फिर खोलती हूँ, गैस का फ्लेम अब भी सीम है और हमारी सब्जी रेडी है एकदम। तो अब इसको एक बार हम और अल्टी पल्टी करके थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। गैस का फ्लेम अप कर दिया है मैंने बंद यहाँ पे, और थोड़ा अल्टी पल्टी कर देती हूँ और ढक के रख देंगे और फिर आप इसे खाइए। सब्जी एकदम रेडी है। तो रोटी के साथ, पूरी के साथ या पराठे के साथ, आप किसी के भी साथ ये सब्जी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी यकीन मानिए। और इसके अंदर का मसाला डिफरेंट है थोड़ा और बहुत ही टेस्टी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन के साथ। थैंक यू।